हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मुंबई डिवीजन के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो मुंबई डिवीजन आते हैं वहाँ पर यह पेपर टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि LD रैंकर कोटा 25% के अंतर्गत पेपर कंडक्ट हुआ था। साथ ही साथ अगर बात करें एग्जाम डेट की, तभी हाल ही में 9 सितंबर 2023 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें अगर बात करें नंबर ऑफ प्रश्न की, तो इस पेपर के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए थे टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय पेपर अटेम्प्ट करने के लिए दिया गया था। और इसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वह 100 रखे गए थे। इसके अलावा बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत जो नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इस पेपर के अंतर्गत किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह पेपर फिटर 3 यानी टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अंतर्गत आते हैं। और पेपर मुंबई डिवीजन CNW डिपार्टमेंट, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, उसके लिए पेपर 9 सितंबर 2023 को यह कंडक्ट करवाया गया था। यहाँ पर बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था कैंडिडेट से, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHP, LHP का फुल फॉर्म क्या है? तो LHP का फुल फॉर्म है लिंक हॉफमैन बुश। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अलग इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, तो LHP कोचेज की कि जो लेंथ ऑफ आवर बॉडी होता है वह होता है 23,540 mm। वहीं बात करें लेंथ ऑफ आवर कपलर की, तो लेंथ ऑफ आवर कपलर की बात करें तो यह 24,000 mm में होते हैं सारे डायमेंशंस। इसके अलावा बात करें तो इसकी विड्थ जो होता है LHB कोचेज का, वह इसकी चौड़ाई 3240 mm होते हैं। इसके अलावा LHB कोचेज जो होते हैं वह एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम पर आधारित होते हैं। तो ये सारे जो डायमेंशन है वो आप याद रखें, यह टेक्नीशियन पोस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं। यहाँ से आपसे डायरेक्ट रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइंस ऑफ साइड CVC अबव रेल F4 MT व्हीकल, यानी यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि MT कोचेज के लिए जो मैक्सिमम हाइट होता है CVC का वो कितना होना चाहिए। तो बात करें यहाँ पर MT कंडीशन में, तो यह 1105 mm मैक्सिमम होते हैं। ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ CVC एबव रेल लेवल फॉर लोडेड व्हीकल। यहाँ पर लोडेड व्हीकल्स के लिए प्रश्न पूछ लिए गए हैं और मिनिमम हाइट CVC का पूछा गया है, तो मैक्सिमम 1105 mm होता है MT कंडीशन में। वहीं मिनिमम अगर आपसे पूछा जाता है तो ये लोडेड कंडीशन में पूछा जाएगा, जो कि होता है 1030 mm। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1030 mm। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ LHV व्हील, यानी LHV व्हील का जो व्हील गेज होता है वो कितने mm के होते हैं। तो व्हील गेज की अगर बात करें तो एक ही एक्सल पर दो चक्कों के बीच जो व्हील फ्लेंजेज के बीच की जो डिस्टेंसेज होता है दो चक्कों के बीच, वही व्हील गेज कहलाते हैं। और यह LHV के लिए 1600 प्लस माइनस 1 mm के रेंज में LHV कोचेज के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ LHV व्हील, यानी जो LHV चक्के का नए चक्के का व्यास की अगर बात करें तो यह होता है 915 mm। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो
टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचेज के अंतर्गत किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो एलएचबी कोचेज के अंतर्गत सीटीआरबी का प्रयोग किया जाता है, यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क, यानी ब्रेक डिस्क का व्यास कितना mm के होते हैं। तो ब्रेक डिस्क का डायमेंशन जो होता है, डायमीटर, वह होता है 640 mm के। वहीं अगर आपसे प्रश्न में थिकनेस पूछा जाता है, मोटाई ब्रेक डिस्क का, तो यह होता है 110 mm और यह रिड्यूस होकर 96 mm तक आ जाता है, तो इसको सर्विस से कंडम कर देते हैं। इसके अलावा ब्रेक डिस्क पर जो फिंस प्रोवाइड किया जाता है, वह कूलिंग पर्पस के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। और जो ब्रेक डिस्क होता है वह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है और इसकी संख्या पर एक्सल पर 2 की संख्या में होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा, डायमीटर ब्रेक डिस्क का, वह 640 mm, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड इन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचेज में कितने प्रकार के शॉक ऑब्जर्वर्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नंबर्स नहीं पूछे गए हैं, यहाँ पर टाइप्स पूछ लिए, कितने प्रकार के यूज किए जाते हैं शॉक ऑब्जर्वर्स एलएचबी कोचेज के अंतर्गत। चूँकि आप जानते हैं कि एक हमारा प्राइमरी डैम्पर्स जो चक्की के पास लगा होता है, जो कि चारों चक्की के पास हमारा एक एक डैम्पर लगा होगा। इसके अलावा हम बात करें तो सेकेंडरी डैम्पर हमारा एलएचबी एयर स्प्रिंग या जो क्वाल स्प्रिंग होगा वहाँ पर हमारा सेकेंडरी डैम्पर लगा होगा, वर्टिकल डैम्पर दूसरे टाइप्स का। तीसरे टाइप्स हमारा होता है लेटरल डैम्पर, जो लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और चौथा जो होता है वो हमारा होता है यो डैम्पर, जो हमारा बोगी और बॉडी के कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर यो डैम्पर हमारा चौथे टाइप के, टोटल हमारा चार प्रकार के, यानी चार टाइप्स के हमारा शॉक ऑब्जर्वर्स एलएचबी कोचेज के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चार प्रकार के शॉक ऑब्जर्वर्स प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर नंबर्स पूछ लिए गए, कितने संख्या में शॉक ऑब्जर्वर्स प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ही देख लिए थे प्राइमरी डैम्पर्स, सेकेंडरी डैम्पर्स, लेटरल डैम्पर्स और यो डैम्पर्स प्रयोग किए जाते हैं, टोटल चार प्रकार के डैम्पर्स। इसमें जो प्राइमरी डैम्पर्स, प्रत्येक बोगी की अगर बात करें हम, तो चारों चक्के पर हमारा एक एक संख्या में, टोटल चार की संख्या में हमारा प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर लगा होता है। सेकेंडरी डैम्पर दोनों एयर बिल्लो के पास हमारा दो वर्टिकल डैम्पर लगे होते हैं, एक बोगी में एक लेटरल डैम्पर हमारा होता है और यो डैम्पर प्रत्येक बोगी दो की संख्या में होते हैं। सारे को जब आप ऐड करेंगे तो 09 की संख्या में आपका शॉक ऑब्जर्वर्स निकल कर आएगा प्रत्येक बोगी के केस में। क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक एलएचबी कोचेज में दो की संख्या में बोगी होता है, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका 18 की संख्या में पर एलएचबी कोचेज शॉक ऑब्जर्वर्स का नंबर निकल कर आ जाएंगे। यहाँ पर सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ टू कोचेज, यानी दो कोचों को कपलिंग करने के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण कंडीशन, स्थिति होता है, शर्त होते हैं, वो क्या होना चाहिए। तो जब भी दो कोचेज को कपल किया जाता है, जैसे यहाँ पर हम दो कोचेज के सिनारियों में हम अगर बात करें तो ये हमारा एक CBC हो गया, दो CBC दूसरा CBC हमारा। तो यहाँ पर हम बात करें अगर, तो पहला कंडीशन तो यह होना चाहिए कि दोनों CBC जो दोनों कोचेज है हमारे कपलर्स है वो दोनों एक सीधी में होनी चाहिए, मीन्स शुड बी इन अलाइनमेंट। दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि वह बोथ कपलर विद इन गैदरिंग रेंज जो होता है, गैदरिंग रेंज के अंतर्गत होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन होता है हमारा कि दोनों कपलर जो होते हैं हमारा, उसके नकल खुले अवस्था में होना चाहिए, जिससे हमारा कपल करने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, बोथ कपलर्स शुड बी अलाइनमेंट, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है बोथ कपलर्स शुड बी इन विद इन गैदरिंग रेंज। तो दोनों हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो ट्रिप मेंटेनेंस रूल्स डेट इज डिपो वन ऑफ एलएचबी कोच इज डन, यानी जो ट्रिप्स अनुरक्षण कराए जाते हैं एलएचबी कोचेज का डिपो के अंतर्गत, तो उसमें डी वन शेड्यूल जो कंडक्ट करवाए जाते हैं वो कितने अंतराल पर कराए जाते हैं, वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो डिपो वन शेड्यूल की अगर बात करें डी वन की, तो यह प्रत्येक ट्रिप के बाद एलएचबी कोचेज का डी वन किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आफ्टर एवरी ट्रिप। इसके अलावा डिपो टू की अगर बात करें, तो डिपो टू शेड्यूल जो कराए जाते हैं वह 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज के अंतराल पर डिपो टू शेड्यूल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें हम डिपो थ्री शेड्यूल्स की, तो यह 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज के अंतराल पर एलएचबी कोचेज का डिपो थ्री शेड्यूल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। ये दोनों आप जो एडिशनल डाटे बताए जा रहे हैं इसको आप याद रखें, यहाँ पर आपसे डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, सॉफ्ट शेड्यूल वन ऑफ एलएचबी कोच इज डन, यानी जो हमारा सॉफ्ट शेड्यूल वन जो कंडक्ट करवाए जाते हैं वर्कशॉप के अंतर्गत, वो कितने अंतराल पर कराए जाते हैं, तो यह कंडक्ट करवाए जाते हैं 1.5 ईयर्स, जिसे हम 18 मंथ्स या 6 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर हम सॉफ्ट शेड्यूल कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं इसके अलावा SS2 जो होता है वह 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर सॉफ्ट शेड्यूल 2 कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं सॉफ्ट शेड्यूल 3 से रिलेटेड, कि सॉफ्ट शेड्यूल 3 ऑफ एलएचबी कोच इज डन, तो सॉफ्ट शेड्यूल 3 जो एलएचबी कोच का कराए जाते हैं वह 6 ईयर्स या 24 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ एलएचबी बोगी, यानी एलएचबी बोगी के लिए जो व्हील बेस होता है वो कितने एमएम का होता है, तो वो होता है 2560 एमएम, यानी अगर आप बात करें यहाँ पर तो एलएचबी के लिए व्हील बेस होता है 2560 एमएम। वहीं आईसीएफ की अगर बात करें तो यह होता है 2896 एमएम। वहीं अगर बात करें कैसना बोगी का, जो कि हमारा फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं, तो इनका डायमेंशन होता है व्हील बेस वो होता है 2000 प्लस माइनस 5 एमएम के रेंज में होते हैं। यहाँ पर प्रश्न में केवल एलएचबी कोचेज का पूछा गया था, तो 2560 एमएम ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, साइड वाल्व ऑफ एलएचबी कोच आर मैन्युफैक्चर्स फ्रॉम, यानी जो साइड वाल्व होता है एलएचबी कोचेज का वो कौन से मटेरियल का बनाए जाते हैं, वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो जो साइड वाल्व होता है और इंड वाल्व एलएचबी कोचेज का, वह दोनों के दोनों फ्रेटिक स्टील यानी SS409 mm का बनाया जाता है, जिसकी अगर थिकनेस की अगर बात करें तो इसका थिकनेस 2 से 3 mm के रेंज में होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर फ्रेटिक स्टील ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेटिक स्टील SS409 mm, जिसका प्रयोग साइड वाल्व और इंड वाल्व एलएचबी कोचेज के मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, तो क्रॉस मेंबर्स ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ एलएचबी कोचेज आर मैन्युफैक्चर्स फ्रॉम, यानी एलएचबी कोचेज के जो अंडर फ्रेम का क्रॉस मेंबर्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चर्स कौन से मटेरियल से किया जाता है, तो इसका जो मैन्युफैक्चर्स किया जाता है क्रॉस मेंबर्स का वो किया जाता है IRSM 41। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम कॉटन स्टील के नाम से भी जानते हैं IRSM 41 को। और इसका थिकनेस की अगर बात करें तो इसका क्रॉस मेंबर्स का जो थिकनेस होता है वह 6 mm के रेंज में होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, सोल बार ऑफ एलएचबी कोच आर मैन्युफैक्चर्स फ्रॉम, यानी एलएचबी कोचेज का जो सोल बार होता है वो भी मैन्युफैक्चर्स होता है IRSM 41 की मदद से, जिसे हम कॉटन स्टील के नाम से जानते हैं।
और इसका थिकनेस होता है 6 mm। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, योर डैम्पर्स इज फिटेड ऑन, यानी योर डैम्पर फिटेड होता है बिटवीन बोगी एंड अंडर फ्रेम ऑफ बॉडी। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे ये हमारा बॉडी हो गए, और यहाँ पर बात करें तो इस तरह से हमारा बोगी होता है, इस तरह से हमारा यो डैम्पर कनेक्टेड होता है, यानी बोगी का कनेक्शन अंडर फ्रेम ऑफ बॉडी से होता है, और इसकी संख्या 2 की संख्या में पर बोगी लगाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन एलएचबी कोचेज, यानी जो एलएचबी कोचेज पर प्रयोग किए जाने वाले जो ब्रेक सिस्टम होते हैं उनका सिद्धांत क्या होता है। तो उनका सिद्धांत होता है ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक सिस्टम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो डिस्क होता है वो एक्सल पर हमारा माउंटेड होता है, नहीं ट्विन पाइप विथ एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 125 लीटर्स एयर टैंक इन एलएचबी यूज्ड फोर, यानी 125 लीटर के जो एयर टैंक्स होते हैं एलएचबी कोचेज के अंतर्गत, उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इनका प्रयोग किया जाता है ब्रेकिंग पर्पस के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर टैंक इन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचेज के अंतर्गत लगे कंट्रोल रिजर्वायर टैंक का क्षमता कितने लीटर का होता है। तो सीआर टैंक की अगर बात करें तो इनकी क्षमता 6 लीटर का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि इसमें जो प्रेशर जाता है वह ब्रेक पाइप से होते हुए, जो डीबी से होते हुए हमारा प्रेशर सीआर टैंक को जाता है, और इसका प्रेशर होता है वह 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से यह चार्ज होता है ब्रेक पाइप के माध्यम से। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ब्रेक एक्सीलेटर इज अ, यानी ब्रेक एक्सीलेटर एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है, यानी इमरजेंसी कंडीशन में ब्रेक में लगाने का काम करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, ब्रेक एक्सीलेटर इज कनेक्टेड टू, यानी ब्रेक एक्सीलेटर जो होता है ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस, वो कनेक्टेड होता है ब्रेक पाइप से, यानी कुछ भी हो तो उस वहाँ से हमारा प्रेशर ड्रॉप होने लगता है और हमारा गाड़ी में ब्रेक लगने की पॉसिबिलिटी होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी ब्रेक पाइप इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी फ्लेक्सबल केबल्स प्रोवाइडेड ऑन जनरेटर कार, यानी जो जनरेटर या पावर कार या गार्ड क्या कोचेज बोल दीजिए एलएचबी कोचेज के अंतर्गत, इसमें हमारा फ्लेक्स बॉल केबल हैंड ब्रेक के साथ कनेक्टेड रहता है एक्सल के साथ। तो इसमें पूछा गया कितने नंबर्स में हमारा फ्लेक्स बॉल्स केबल्स कनेक्टेड होते हैं जनरेटर कार में, तो इसकी टोटल संख्या होता है 2 की संख्या में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से जैसे हमारा हैंड ब्रेक है, यहाँ से हमारा 2 फ्लेक्सबॉल केबल निकलता है, और इस तरह से हमारा एलएचबी कोचर के अंतर्गत एक बोगी में हमारा ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड होता है दोनों एक्सल में, दोनों की संख्या में। तो यहाँ पर एक फ्लेक्स बॉल केबल यहाँ पर कनेक्शन होता है, सेकेंड का जस्ट अपोजिट हमारा अगले जो सेम बोगी में जो हमारा नेक्स्ट एक्सल होता है अपोजिट डायरेक्शंस में वहाँ पर इसका कनेक्शन होता है। और जब भी हम हैंड ब्रेक लगाते हैं तो इसमें लगा जो हमारा इंडिकेटर होता है वो हमारा रेड कलर में शो करने लगता है, जिससे हमारा पता चल जाता है हमको कि इसके अंतर्गत हम हैंड ब्रेक प्रॉपर तरीके से हमारा वर्क कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर एलएचबी डंप वाल्व ऑपरेटिव, यानी डंप वाल्व को ऑपरेट करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रिसिटी कितने वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 110 वोल्ट डीसी का रिक्वायरमेंट होता है डंप वाल्व को वर्क करने के लिए एलएचबी कोचेज के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें
तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस PESD का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कंडमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड, ब्रेक पैड का कंडमिंग लिमिट्स होता है 7 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं न्यू कंडीशन में 35 mm के इसके डायमेंशंस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन LHB kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर LHB कोचेज में मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर पूछे गए हैं। तो LHB कोचेज में अगर बात करें हम यहाँ पर, तो LHB कोचेज में जो प्रेशर मैक्सिमम जाता है वो 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जाता है, जबकि ICF कोचेज या जो हमारा फ्रेट गुड्स स्टॉक होता है इसमें प्रेशर हमारा 3.8 kg का प्रेशर मैक्सिमम बनता है ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत। यहाँ पर आपसे प्रश्न में LHB कोचेज का पूछा गया है, तो 3 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड, यानी ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच जो मैक्सिमम अधिकतम गैप होता है वह 1.5 mm का होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन, यानी ब्रेक इंडिकेटर हमारा ग्रीन दिखा रहा है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब हमारा ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में है। यहाँ पर ध्यान रखिए हमारा ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में है और यह ग्रीन इंडिकेट कर रहा है। तो इसका क्या व्हाट रीजन शुड बी, यानी क्या कारण हो सकता है कि हमारा ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन भी दिखा रहा हो और ब्रेक हमारा अप्लाइड कंडीशन में भी है। तो इसका मेन रीजन यह हो सकता है कि पहला हमारा जो CR है कोचेज का वो हमारा प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं हुआ हो, तो यह हमारा पहला रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो हमारा DB क्विक रिलीज बाल्ब होता है जहाँ से हमारा हैंड ब्रेक के लिए कनेक्शन होता है, जहाँ से हम बाहर से ही पुल करके उसको रिलीज कर सकते हैं, तो उसका जो सिस्टम है वह रिलीज कंडीशन में ही हमारा स्टक हो गया हो, फंस गया हो, तो उस कंडीशन में भी हमारा ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन दिखा सकता है ब्रेक अप्लाई होने के किसी भी कंडीशन में। तीसरा कंडीशन यह हो सकता है कि जो हमारा ब्रेक सिलेंडर लगा हो उसमें काफ़ी मात्रा में लीकेज हो रहा हो, जिससे हमारा प्रॉपर ब्रेक अप्लाई नहीं होने के कारण हमारा ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन दिखा रहा हो ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में भी। तो यह तीनों रीजन्स हो सकते हैं कि जब भी ब्रेक हमारा अप्लाइड कंडीशन में हो फिर भी हमारा ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन दिखा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ एबव रीजन्स नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड अप्लाई इन, यानी जो सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक अप्लाई होनी चाहिए 3 to 5 सेकेंड के रेंज में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ब्रेक सिलेंडर वन ब्रेक डिस्क ऑफ वन व्हील सेट इट मीन्स, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक चक्के के यानी वन एक्सल पर अगर बात करें उसमें से एक ब्रेक डिस्क हमारा ब्रेक बाइंडिंग का कारण बन सकता है। तो इस केस में हमारा क्या इसका मतलब हो सकता है, तो इसका मतलब होगा कि जो हमारा एक एक्सल पर दो ब्रेक कैलीपर यूनिट लगा होता है, दो ब्रेक सिलेंडर हमारा लगा होता है कैलीपर के साथ, तो इसमें हमारा बोला जा रहा है कि वन ब्रेक डिस्क हमारा ब्रेक बाइंडिंग का कारण बनता है केवल एक, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डंप वाल्व होता है हमारा इसे हम एंटी स्किड वाल्व के नाम से जानते हैं, इनका कनेक्शन हमारा जो चारों एक्सल होते हैं हमारा है, तो एक एक एक्सल के लिए हमारा जो दोनों ब्रेक कैलिपर यूनिट्स का कनेक्शन हमारा डंप वाल्व से होता है। तो जब भी अगर हमारा दोनों अगर ब्रेक कैलिपर यूनिट का ख़राब होता है एक एक्सल पर तो हो सकता है हमारा डंप वाल्व खराब हो, लेकिन यहाँ प्रश्न में केवल और केवल बोला गया है
कि एक ही एक्सल पर दो ब्रेक डिस्क होते हैं और केवल एक हमारा ब्रेक बाइंडिंग का कारण बनता है। तो इसका मतलब है हमारा कि जो ब्रेक सिलेंडर है या तो वह डिफेक्टिव हो गया हो या तो ब्रेक कैलिपर हमारा जाम कंडीशन में हुआ हो उस ब्रेक डिस्क के ऊपर जो माउंटेड है। तो यह दोनों कारण हो सकते हैं जिसका रिजल्ट यह होगा कि हमारा जो एक ही ब्रेक डिस्क पर ब्रेक बाइंडिंग का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आइदर ए एंड बी बोथ इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं वाइल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हॉर्न, यानी जो वाइल है वो सख्ती से मना किया गया है कपलर हेड नकल पर और लॉक ऑफ सीवीसी पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA, यानी WRA का फुल फॉर्म क्या है। तो WRA का फुल फॉर्म होता है वाटर राइजिंग एपरेटस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सेलिंग ऑन अ व्हील सेट द रीजन में बी, यानी व्हील सेट पर सेलिंग का क्या कारण हो सकता है। तो सेलिंग जो व्हील सेट पर हमारा बनता है इसका मेन रीजन की अगर बात करें हम तो इसका पहला कारण हो सकता है कि WSP यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन जो सिस्टम है हमारा वह प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर रहा है, या तो हमारा ब्रेक कैलिपर यूनिट जाम हो गया हो या तो एक या दोनों ब्रेक सिलेंडर डिफेक्टिव हो गया हो। तीनों कारण हो सकता है जिसके कारण हमारा सेलिंग व्हील सेट पर जो हमारा ब्रेक या बनने का कारण हो सकता है। तो यहाँ पर ऑल अबव ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड ऑन इन ICF BMBC कोचेज, यहाँ पर ICF BMBC कोचेज के बारे में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर का। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक बोगी पर हमारा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं, टोटल हमारा चार की संख्या में हमारा ब्रेक सिलेंडर हो जाएगा, यानी दो ब्रेक सिलेंडर पर बोगी लगाए जाते हैं BMBC ICF कोचेज के अंतर्गत। तो इस प्रकार टोटल नंबर्स हो जाएगा वो चार की संख्या में ब्रेक सिलेंडर प्रत्येक कोचेज के अंतर्गत यूज किए जाएंगे ICF कोचेज के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द चोक डायमीटर ऑफ पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब इंस्टॉल इन ICF BMBC कोचेज फॉर SCP, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि अलार्म चैन पुलिंग के लिए लगाए गए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब का चोक डायमीटर कितने mm का होता है। तो चोक डायमीटर ICF कोचेज में लगे पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब की अगर बात करें तो यह 8 mm के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं एट द टाइम ऑफ ब्रेक अप्लीकेशन व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर बिल्ट इन ब्रेक सिलेंडर ऑफ ICF BMBC कोचेज, इन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी ब्रेक अप्लीकेशन के समय जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर होता है मैक्सिमम ICF BMBC कोचेज के अंतर्गत वो कितने kg का होता है। तो मैक्सिमम की अगर बात करें प्रेशर की BMBC ICF कोचेज के अंतर्गत तो यह होता है 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं हाउ मेनी SCB आर प्रोवाइडेड इन ICF BMBC कोचेज, यहाँ पर ICF BMBC कोचेज में नंबर ऑफ SCB पूछा गया है सेलेक्ट लिस्ट बैरल की नंबर्स। चूंकि आप जानते हैं कि जो हमारा नए वाले जो BMBC कोचेज है बोगी है ICF कोचेज का, इसमें लगे ब्रेक सिलेंडर हमारा इनबिल्ड सेलेक्ट एग्जिस्टर की क्षमता रखते हैं, यानी दोनों डायरेक्शन में इसमें मूवमेंट होता है हमारा। तो इसमें हमारा इसीलिए इसे भी की रिक्वायरमेंट इसके अंतर्गत नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नील इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो व्हाट इज द ब्रेक पाइप फिट पाइप डायमीटर इन ICF BMBC कोचेज, यानी ICF BMBC कोचेज के अंतर्गत जो ब्रेक पाइप और फिट पाइप का डायमीटर होता है वो कितने mm का होता है। तो वह होता है 25 mm का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो इन बीएलसी कंटेनर वैगन फॉर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ब्रेक पावर रेशियो ड्यूरिंग एम्प्टी और लोडेड कंडीशंस ऑफ वैगन विच डिवाइस इज प्रोवाइडेड। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंटेनर वैगन्स में एम्प्टी और लोडेड अवस्था को, ब्रेक पावर अनुपात को चेंज करने के लिए कौन सा डिवाइस लगा होता है। तो यह जो डिवाइस लगा होता है वो लगा होता है लोड सेंसिंग डिवाइस, जो एम्प्टी और लोडेड कंडीशन को सेंस करके उसी के अनुसार ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एलएसडी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द एयर प्रेशर ऑक्सिलरी रिजर्वायर चार्ज्ड इन ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम। यानी ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में ऑक्सिलरी रिजर्वायर कितने के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज किया जाता है, वह इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। चूँकि आप जानते हैं कि जो ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम होता है, इसमें हमारा जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है या टैंक होता है, वो हमारा फिड पाइप के माध्यम से मुख्य तौर पर चार्ज होता है। और एफपी का प्रेशर चूँकि आप जानते हैं कि 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है, तो ऑटोमेटिक रूप से या टैंक का भी प्रेशर जो चार्ज होंगे वो 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी एपीएम डिवाइसेस आर इंस्टॉल्ड इन बॉक्सन एचएल एमबीएस वैगन। यानी जो मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम वाले जो वैगन्स है, इसमें एपीएम का नंबर्स कितने संख्या में एक बॉक्सन एचएल के अंतर्गत इंस्टॉल किए गए हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि एपीएम यानी ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस है, और यह एमबीएस वैगन यानी मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम के साथ आते हैं, और इसका संख्या टोटल पर वैगन एक की संख्या में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा अगर बात करें तो डीबी होता है, डीबी से कनेक्शन हमारा एपीएम को जाता है। एपीएम में हमारा एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी रिजर्वायर 6 लीटर का होता है। फिर यहाँ पर हमारा एपीएम से कनेक्शन हमारा दोनों ब्रेक सिलेंडर को पास जाते हैं, यानी हमारे एपीएम वाले वैगन्स में हमारा दो ब्रेक सिलेंडर दोनों ट्रोलियों पर लगे होते हैं। यहाँ पर हमारा अगर बात करें तो सेंसिंग आर्म लगा होता है एपीएम के अंतर्गत। सेंसिंग आर्म हमारा वैगन अंडर फ्रेम और बोगी साइड फ्रेम के बीच लगे होते हैं, और अगर आर्म, सेंसिंग आर्म का मोमेंट हमारा अगर 79 mm अगर होता है, तो यह लोडेड कंडीशन को सेंस करेगा, और इसके अंतर्गत प्रेशर जो जाएगा वह 3.8 kg का प्रेशर जाएगा। वहीं अगर सेंसिंग आर्म का मोमेंट एवब 80 mm होता है, यानी 80 mm से ज़्यादा का सेंसिंग आर्म का मोमेंट होता है, तो वह एम्प्टी कंडीशन को इंडिकेट करेगा और इस ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर 2.2 kg का भेजेगा। इस दौरान जो एक्स्ट्रा प्रेशर आता है डीबी से, वो ऑक्सिलरी रिजर्वायर में लगे 6 लीटर टैंक में या एक्स्ट्रा प्रेशर चले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो विच टाइप ऑफ कपलिंग इज प्रोवाइडेड इन हाइब्रिड कोचेज। यानी हाइब्रिड कोचेज में किस प्रकार के कपलिंग प्रोवाइड होता है। तो हाइब्रिड कोचेज की अगर बात करें तो इसमें जो कपलिंग लगा होता है वह एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर लगा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चूँकि आप जानते हैं हाइब्रिड कोचेज में जो हमारा बडी होता है, अपर बडी, वह LHV सेल का बना होता है, और जो हमारा बोगी है वो हमारा ICF मॉडिफाइड बोगी है। मॉडिफाइड का सेंस यह है कि जो हमारा क्वाइल स्प्रिंग ICF बोगी के अंतर्गत होते थे, इसको मॉडिफाइड करके एयर बेलो का प्रावधान कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, विच टाइप ऑफ कपलिंग इज प्रोवाइडेड इन LHB कोचेज। यानी LHB कोचेज में किस प्रकार के कपलिंग प्रोवाइड होता है। तो LHB कोचे में जो कपलिंग लगे होते हैं वह एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर लगे होते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, इन BLC कंटेनर रेक्स 1 unit कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वैगन्स। यानी BLC रेक के एक यूनिट में वैगन का संख्या कितना होता है। तो BLC अगर बात करें कंटेनर वैगन की, तो इसमें जो नंबर्स लगे होते हैं वह एक यूनिट में वो टोटल 5 कार लगे होते हैं। यानी यहाँ पर बात करें हम तो 5 कार को मिलाकर एक यूनिट का
का फॉर्मेशंस होता है बीएलसी के अंतर्गत, जिसमें दोनों एंड में हमारा ए कार लगे होते हैं और बीच में हमारा बी कार लगे होते हैं। ए कार हमारा सीबीसी के साथ अटैच होता है, जबकि बी कार हमारा एसडीबी यानी स्लैकलेस ड्रो बार्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए 5 कार्स के साथ मिलाकर हमारा एक यूनिट का फॉर्मेशंस होता है बीएलसी के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, यानी ब्रेक एप्लीकेशन के समय इमरजेंसी के दौरान लोको पायलट द्वारा कितने केजी प्रेशर का ड्रॉप किया जाता है, जिससे हमारा जो ब्रेक बांध के अंदर कितने केजी प्रेशर दिखने लगता है। टोटल हम बात करें तो लोको पायलट पूरे 5 केजी प्रेशर बीपी प्रेशर को ड्रॉप कर देता है, जिस कारण हमारा ब्रेक बांध में प्रेशर जीरो दिखता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और केवल यह किया जाता है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के समय। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर इशूड टू क्लोज सर्किट रेक फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन, यानी क्लोज सर्किट रेक का प्रारंभिक स्टेशन से न्यूनतम ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा गया, यानी मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज क्लोज सर्किट का ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर। तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर अगर बात करें तो यह होता है 100%, और इन रूट की अगर बात करें तो इन रूट में मिनिमम 90% ब्रेक पावर सीसी रेक का होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर मिनिमम ब्रेक पावर 100% की रिक्वायरमेंट होता है क्लोज सर्किट रेक के अंतर्गत। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं कि व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज इशूड टू प्रीमियम रेक फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन। यहाँ पर ब्रेक मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज पूछे गए हैं प्रीमियम रेक के लिए ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर। तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर जो प्रीमियम रेक के लिए ब्रेक पावर परसेंटेज होता है वो 95% मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईआरटी। ईआरटी का फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पार्ट। स्पार्ट का फुल फॉर्म होता है हमारा सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें इस स्पार्ट में हमारा इंजन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, खुद सेल्फ या प्रोपेल्ड होता है और एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होते हैं, इसलिए इसका नाम स्पार्ट यानी सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द कलर ऑफ फीड पाइप पाम एंड ऑफ कोचिंग स्टॉक, यानी कोचिंग स्टॉक के फीड पाइप का पाम एंड का कलर कौन सा होता है। तो फीड पाइप का जो कलर होता है पाम एंड का वह व्हाइट कलर का होता है, और इसमें प्रेशर अगर बात करें फीड पाइप के अंतर्गत प्रेशर, तो यह 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर इसके अंतर्गत होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, कलर ऑफ ब्रेक पाइप पाम एंड का, यहाँ कोचिंग स्टॉक के अंतर्गत। तो ब्रेक पाइप की कलर जो होता है वह ग्रीन कलर का होता है, और इसमें प्रेशर होता है वो होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीसी, यानी सीबीसी का फुल फॉर्म होता है सेंटर बफर कपलर, और इसका प्रयोग किया जाता है एक बैगन से दूसरे बैगन या एक कोच से दूसरे कोच को कपल करने के लिए सीबीसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी फीवा डिवाइसेज आर इंस्टॉल्ड इन अ कोच, यानी एक कोच के अंतर्गत नंबर्स फीवा का कितने की संख्या में इंस्टॉल किए जाते हैं वो यहाँ पर प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यह जान ले कि जो फीवा होता है वह फेलियर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है, जो कि हमारा ईयर स्प्रिंग वाले जो हमारा ईयर बिल्लो के फट जाने या लीकेज होने की स्थिति में हमारा यह फीवा हमारा सेंस करता है, और इसके लगे इंडिकेटर पर हमारा रेड कलर में साउंड दिखने लगता है, और उस फीवा डिवाइस के अंदर लगे हिसिंग साउंड के माध्यम से हमारा बीपी प्रेशर ड्रॉप होने लगता है, जिससे हमारा गाड़ी के अंतर्गत ब्रेक लग जाती है और गाड़ी वहीं पर रुक जाती है।
तो यहाँ पर पूछा गया नंबर्स फीवा का, तो फीवा का जो नंबर्स होता है वह दो की संख्या में लगे होते हैं, यानी हमारा एक ट्रॉली के लिए एक फीवा यूनिट, दूसरे ट्रॉली के लिए हमारा दूसरा फीवा यूनिट लगे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दो की संख्या में। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए, बीच प्रेशर स्टार्ट लीकिंग फ्रॉम फीवा डिवाइस इफ यर स्प्रिंग इन अ कोच इज फेल्ड, यानी फीवा डिवाइस से कौन सा प्रेशर गिरने लगता है जब ये जो हमारा एयर स्प्रिंग है वो हमारा फेल्ड हो चुका हो। तो जब भी हमारा एयर स्प्रिंग फेल्ड होता है तो उस कंडीशन में हमारा एयर बेलो जब भी फेल्ड होता है हमारा, तो उस कंडीशन में हमारा सबसे पहले तो हमारा एफपी प्रेशर होता है वो लीकेज होता है, और इससे हमारा यह होता है कि जो हमारा फीवा डिवाइस में लगे कनेक्शन जो होता है ब्रेक पाइप का, उसमें लगे चोक डायमीटर जो कि हमारा 8 mm का होता है, वहाँ से हमारा बीपी पाइप का प्रेशर का ड्रॉप होने लगता है जिससे हमारा गाड़ी में ब्रेक लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न पूछा गया कि फीवा डिवाइस से कौन सा प्रेशर ड्रॉप होता है, तो फीवा डिवाइस से हमारा बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस कंडीशन में हम बात करें जब भी हमारा अगर एयर बेलो वगैरह लीकेज हो तो उस कंडीशन में हम फीवा को रीसेट करके रीसेट करने के बाद हम 60 km/h से गाड़ी को अगले एक अलाउ करते हैं, और साथ ही साथ इसमें यह शर्तें होता है कि वह डेस्टिनेशन तक होता है या तो 1000 किलोमीटर जो भी पहले हो उस कंडीशन तक में ही हम इसको 60 km/h तक अलाउ कर सकते हैं जब हमारा एयर बिल्लो लीकेज अवस्था में पाया जाए और जब हम फीवा यूनिट को रीसेट करने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी रैक। सीसी रैक का फुल फॉर्म होता है हमारा क्लोज सर्किट रैक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GDR। GDR का फुल फॉर्म होता है गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट, जिसको आप मॉडिफाइड करके TMLP रिपोर्ट कर दिया गया है, यानी ट्रेन मैनेजर लोको पायलट रिपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPC। BPC का फुल फॉर्म होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। जब भी गाड़ी यार्ड में या कोचेज हो चलने से पहले इनका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट दिया जाता है, इस पर हमारा टोटल नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर कितने हैं, कितने वर्किंग अवस्था में कितने ब्रेक पावर परसेंटेज गाड़ी बैगन या कोचेज का है इस पर मेंशन किया रहता है, और इसकी वैधता भी कितने दिन है यह भी साथ ही साथ इसमें मेंशन रहता है। तो यहाँ पर BPC का फुल फॉर्म ब्रेक पावर सर्टिफिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APCC। APCC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो APCC का अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा एयर प्रेशर कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है ARME के बारे में। यहाँ पर प्रश्न से आप थोड़ा सा ब्लर है, तो यहाँ पर हम नोट कर दिए ARME का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ARME का फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट 1 ARME का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न एक मैथमेटिक्स का पूछ लिया गया है कि ए बॉयज टेक्स 20 मिनट्स। यहाँ पर 20 मिनट्स का समय कोई लड़का लेता है स्कूल पहुंचने में एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, यानी 12 किलोमीटर्स पर आवर से वह 20 मिनट में अपने स्कूल पहुंचता है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड हमारा 12 किलोमीटर दे दिया गया है और 20 मिनट में पहुँचता है, इसको हम किलोमीटर में अगर बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर 13 यहाँ से कट जाएगा और 3 को जब 12 से कटेंगे तो 4 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हमारा उस लड़के के जहाँ से वो चला है और उसके स्कूल तक का डिस्टेंस टोटल 4 किलोमीटर निकल कर आया है। जब वह 20 मिनट में 12 किलोमीटर पर आवर से वह चलता है तो टोटल 4 किलोमीटर है। जब अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है कि इफ़ ही हैज़ टू रीच स्कूल इन 15 मिनट्स इट
द एवरेज स्पीड शुड बी, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर वह स्कूल 15 मिनट में पहुँचता है तो उसका एवरेज स्पीड कितना होगा। चूँकि अगर जानते हैं कि टोटल हमारा डिस्टेंस स्कूल का 4 किलोमीटर है, 15 मिनट में पहुँचता है, तो 15 किलोमीटर में आप बदलेंगे तो 15 में 60 से डिवाइड करना होगा, तो 60 हमारा ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पर हम 15 को 60 से जब कट करेंगे तो 4 हमारा निकल कर आएगा, यानी 4 × 4 टोटल उस लड़के का स्पीड होगा 16 किलोमीटर पर आवर, जब वह 15 मिनट में पहुँचना चाहता है स्कूल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, आउट ऑफ 450 एप्पल्स 30% आर रोटेन, हाउ मेनी एप्पल्स इज ओके, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि 450 सेबों में से 30% सड़े हुए हैं यानी रोटेन हैं। तो यहाँ पर पूछा रहा है कि जो बच्चे सेब है, रिमेनिंग एप्पल्स है, वह कितने सही कंडीशन में है। तो टोटल अगर बात करें तो 450 हमारा नंबर्स में एप्पल्स है, 30% हमारा ख़राब हो गया, तो यहाँ पर हमारा 70% तो सही होगा। तो 70% यहाँ पर हम निकाल लेंगे, यानी 70/100 जब हम करेंगे तो 20 से 20 कट हो जाएगा। जब आप 45 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका निकल कर आएगा वह 315 आएगा, जो कि अभी वर्तमान में बचे सेब जो होंगे वह सही कंडीशन में है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 315 एप्पल्स रिमेनिंग इज ऑल ओके कंडीशन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए मैन गिव 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर एंड 1/2 टू हिज सन्स एंड द 1/5 ऑफ टू चैरिटी अकॉर्डिंगली, यहाँ पर और हाउ मच ऑफ द टोटल डिड ही डिवाइडो, यानी जिस कोई व्यक्ति के पास कुछ संपत्ति होगा उसकी 1/4 भाग अपने पुत्री को दे देता है, 1/2 भाग वह अपने पुत्र को देता है और 1/5 भाग वह चैरिटी में दान कर देता है, तो उसने कितने भाग का अपने दान किया वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो टोटल सारे को आप ऐड कर लें, 1/4 उसने अपने डॉटर को दिया है, फिर 1/2 उसने सन को दिया, फिर 1/5 जो है वह अपने चैरिटी फंड में उसने डोनेट किया। सारे को जब आप ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपका एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि 20 एलसीएम यहाँ पर निकल कर आएगा। जब 20 एलसीएम को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5th टाइम में आ रहा है, तो 5th टाइम आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर 2 को जब आप 20 में डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स में आएगा, तो 10 यहाँ पर ऐड कर ले। फिर 5th को जब 20 डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में आएगा, यहाँ पर 4 ऐड हो जाएगा, यानी टोटल आपका ऐड होकर निकल कर आ रहा है 19/20, यानी कोई व्यक्ति ने 20 भाग में से 19 भाग उसने डोनेट कर दिया। तो यहाँ पर पूछा गया था कितने भाग उसने डोनेट किया है, तो ऑप्शन नंबर बी 19/20 भाग इन्होंने डोनेट कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि सारे को ऐड करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर बात करें ₹7,41,560 है, फिर वहाँ पर हमारा ₹9,35,416 है, फिर यहाँ पर हमारा 1,143 है, फिर हमारा यहाँ पर 17,364 है। जब सारे को जब आप ऐड करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 16,95,483 आपका ऐड होकर निकल कर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि ए ट्रेन 108 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स इन 20 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी यहाँ पर कोई ट्रेन है जो 108 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक खंभे को पार करती है 20 सेकंड में, तो इसका स्पीड यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर स्पीड की अगर बात करें हम, तो स्पीड निकालने के लिए हमारा 108 मीटर और डिस्टेंस बाय टाइम यहाँ पर हम ऐड फार्मूला यूज करेंगे, तो टोटल हमारा डिस्टेंस 108 मीटर लॉन्ग क्रॉस किया,
पोल का, इलेक्ट्रिक पोल का जो हम डायमेंशन हम जीरो कंसीडर करते हैं, तो जीरो यहाँ पर हम लिख लिए, फिर हमारा 20 सेकंड में वो क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बात करें तो किलोमीटर पर आवर्स में सारे ऑप्शन दिया गया है, तो किलोमीटर पर आवर्स में प्राप्त करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ पर हम बात करें जब सारे को आप कट लगाएंगे तो आपका जो निकल कर आएगा इससे वह निकल कर आएगा 19.44 किलोमीटर पर आवर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 19.44 किलोमीटर पर आवर में 108 मीटर का कोई लंबा ट्रेन 20 सेकंड में पोल को क्रॉस कर लेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द एवरेज एज ऑफ 15 बॉयज इन अ क्लास इज 11 ईयर्स, इफ 15 मोर बॉयज ऑफ 9 ईयर्स अगेन ज्वाइन द क्लासेस देन दियर एवरेज एज विल नाउ बी। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है, तो यहाँ पर हम टोटल एज निकालने के लिए 15 × 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल एज 15 लड़कों का 165 ईयर्स निकल कर आएगा। इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि 9 वर्ष के 5 लड़के और कक्षा में ज्वाइन करते हैं, तो 9 वर्ष के लिए 5 बच्चे का जो टोटल एज होगा वह 45 ईयर्स हो जाएगा। टोटल जब आप ऐड करेंगे इसमें तो आपका 210 ईयर्स टोटल निकल कर आएगा, जो कि निकल कर आएगा आपका पहले 15 बॉयज से फिर बाद 5 ऐड हुए हैं, तो टोटल आपका 20 बॉयज का एवरेज जो हमारा टोटल एज होगा वह 210 ईयर्स है। तो एक एवरेज ईयर्स निकालने के लिए टोटल आपका टोटल एज बाई नंबर्स ऑफ बॉयज से आप डिवाइड करेंगे तो आपका 10.5 ईयर्स एवरेज एज निकल कर, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 10.5 ईयर्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, अमाउंट 22 पीपल्स इफ द अमाउंट ऑफ RS 41,910 रुपीज इज डिवाइडेड इक्वली हाउ मच अमाउंट विल ईच पर्सन गेट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो 41,910 रुपए का कोई अमाउंट है उसे 22 पीपल्स में डिवाइड करना है, तो इक्वली प्रत्येक पर्सन कितने प्राप्त करेगा, तो टोटल हमारा यहाँ पर अमाउंट है 41,910 रुपए, यहाँ पर टोटल हमारे पास आदमी हैं 22 लोग। यहाँ पर सबसे पहले आप 11 दो टाइम्स में कट जाएगा, फिर यहाँ पर जब आप कट करना चाहेंगे दो से तो 20,955 से आपका कट करेगा दो टाइम्स में, फिर आप यहाँ पर 11 से कट करना चाहेंगे 20,955 को तो आपका निकल कर आएगा 1905 रुपये, 5 निकल कर आएगा जो रुपीज प्रत्येक पर्सन को प्राप्त होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1905 रुपये, जब 41,910 रुपये को 22 पर्सन में डिवाइड किया जाएगा इक्वली रूप से। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, 220 का 15% पूछा गया है, 220 का जब आप 15% निकालना चाहेंगे तो 15/100 आपका हो जाएगा, यहाँ पर 10 से 10 कट हो जाएगा 3 टाइम्स और यहाँ पर 2 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, फिर यहाँ पर 2 को 11 में करें तो इस प्रकार आपका 11×3 बराबर 33 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर बताया गया है कि 8,888 को ऐड करना है, फिर हमारा 888 को ऐड करना है, फिर हमारा 88 को ऐड करना, फिर 8 को ऐड करना है, जब सारे को आप ऐड करेंगे तो आपका 9,872 रुपये निकल कर आएगा टोटल, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इन में से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द शेप ऑफ द एयरप्लेन इज लाइक अ, यानी जो एयरप्लेन का शेप है वो किस प्रकार का है, तो वह बर्ड का शेप में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, यानी जो कौन सा टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होगा वो यहाँ पर पूछा गया है, तो जो मेटल है, मेटल जो होता है वो हमारा मरकरी होता है, यानी जो मरकरी हमारा रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो मरकरी की अगर बात करें तो मरकरी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है,
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसको अगर बात करें हम तो इसको एच जी से हम डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत हमारा 80 पैलेस पर आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछे गए हैं, द नॉन मेटल पूछा गया है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में होना चाहिए नॉन मेटल। तो नॉन मेटल हमारा जो होता है वो हमारा ब्रोमीन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसको हम डिनोट करते हैं बी आर से और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत वो होता है 35। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मेटल विच कैन बी कट विथ अ नाइफ, यानी कौन सा धातु है जिसे चाकू के साथ काटा जा सकता है। तो इसमें हमारा सोडियम और पोटासियम दोनों आता है जो धातु मेटल होते हैं और इसको हम नाइफ की मदद से कट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें सोडियम का हमारा डिनोट करते हैं Na से और पोटासियम को हम K से डिनोट करते हैं और सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारा 11 होता है जबकि पोटासियम का हमारा एटॉमिक नंबर 19 होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, प्लास्टिक बायर इज, यानी जो प्लास्टिक बायर होता है वो किस तौर से काम करता है। चूंकि आप जानते हैं ये हमारा बायर हो गया, ऊपर से एक हमारा प्लास्टिक का लेयर लगा होता है। प्लास्टिक का लेयर एक तरह से हमारा इंसुलेटर का काम करता है यानी विद्युत रोधी का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर बेल्डिंग ऑफ फेरस मेटल्स कॉपर और अल्मीनियम एलॉयज, यानी जो कॉपर एल्युमिनियम एलॉयज और फेरस मेटल को वेल्डिंग करने के लिए सुटेबल फ्लेम कौन सा होगा। तो सुटेबल फ्लेम जो होगा ये तीनों को वेल्डिंग करने के लिए वो हमारा न्यूट्रल फ्लेम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो इसका फ्लेम होता है क्लियर वेल डिफाइंड और ल्यूमिनियस कोण के तरह होता है, जिससे जो हमारा कंबसन होने का कंप्लीट एहसास दिलाता है। तो इसी के कारण हम इसका प्रयोग फेरस मेटल या कास्ट आयरन हो या माइल्ड स्टील हो या स्टेनलेस स्टील हो या कॉपर एलॉयज या एल्युमिनियम एलॉयज, इस सारे को वेल्ड करने के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रेम मीटिंग इज हेल्ड एट रेलवे बोर्ड लेवल वंस इन अ, यानी प्रेम का यहाँ पर पूछा गया कि जो प्रेम मीटिंग कंडक्ट करवाए जाते हैं रेलवे बोर्ड स्तर पर कितने अंतराल पर कराए जाते हैं। तो प्रेम का फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट, यानी जो रेलवे एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट के अंतर्गत पार्टिसिपेशन ही इसका फुल शॉर्ट फॉर्म प्रेम कहलाता है। और इसका जिन मेन मोटिव होता है वह होता है एवोल्यूशंस मॉडिफिकेशन ऑफ रेलवे वर्किंग्स, यानी जो हमारा कोई भी सुधार होगा रेलवे वर्किंग का जिसमें हमारे रेलवे एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट के अंतर्गत, वही हमारा प्रेम मीटिंग कंडक्ट करवाए जाते हैं। और यह अलग अलग तीन लेवल पर कंडक्ट करवाए जाते हैं जिसमें पहला लेवल हमारा रेलवे बोर्ड लेवल, जोनल लेवल और डिविजनल स्तर पर हमारा इसकी मीटिंग कंडक्ट करवाए जाते हैं। और इसकी मीटिंग जो होता है वंस इन अ क्वार्टर, यानी तीन माह में एक बार प्रेम की मीटिंग कंडक्ट करवाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीन माह में एक बार। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ दीज फ्लोइंग पास इज नॉट यूज्ड इन रेलवे, यानी निम्नलिखित में से किस पास का उपयोग रेलवे में नहीं किया जाता है। तो रेलवे में मेनली ड्यूटी पास में हमारा लेवल 1 से लेकर लेवल 17 तक के ऑफिसर्स को एज अ ड्यूटी पास अलग अलग तरह के पासेज इशू किए जाते हैं ड्यूटी के तौर पर। तो इसमें अगर बात करें तो हमारा मेनली जो टोकन पास होता है ऑफिसर्स के लिए वो हमारा गोल्डन पास, सिल्वर पास और ब्रॉन्ज पासेज होता है जो कि मेटल फॉर्म में होते हैं, जिसमें हमारा प्लेटिनियम पास कोई भी ऐसा पासेज नहीं है जो अभी करंट में एग्जिस्ट करता हो रेलवे के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए प्लेटिनियम पास इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि अभी वर्तमान में रेलवे में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके अलावा हम बात करें गोल्ड पासेज की तो यह लेवल 16 या इसके ऊपर के जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आप कंसीडर करें लेवल GM यानी जनरल मैनेजर जो होते हैं एक जोन का, वह लेवल 16 के अंतर्गत आते हैं। और इनके ऊपर जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड
या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, या मेंबर स्टाफ हो, या चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हो, या डायरेक्टर जनरल्स वगैरह होते हैं, ये सारे लेवल 17 के अंतर्गत आते हैं। यानी जो जीएम एंड एबव जो ऑफिसर्स होंगे उनको गोल्ड मेडल पास एज ए ड्यूटी पास के तौर पर इशू किए जाएंगे। इसके अलावा जो सिल्वर पासेस होता है वह इशू किया जाता है DRM यानी जो लेवल 4, 14 और 15 के ऑफिसर जो होते हैं, यानी DRM या इसके ऊपर के जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं उनको सिल्वर मेडल पास इशू किया जाता है एज ए ड्यूटी पास के तौर पर। इसके अलावा जो ब्रॉन्ज पासेस होते हैं वह गैजेटेड ऑफिसर्स जो होते हैं 8 से लेकर 13 लेवल तक के ऑफिसर, जिसमें जो हमारा 13 लेवल ऑफिसर जो होते हैं वह सिलेक्शन ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं, इनको ब्रॉन्ज मेडल पास इशू किया जाता है और एज ए ड्यूटी पास के तौर पर। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो एट व्हाट इंटरवल द इंटेंसिव ट्रेनिंग ऑफ एनी कोच इज डन, यानी जो किसी भी कोच का जो इंटेंसिव ट्रेनिंग किया जाता है वो कितने अंतराल पर किया जाता है, तो यह किया जाता है 1 मंथ के अंतराल पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार, पेंट्री कार के लिए ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है WCB, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाई, यानी जो भी कोई एक्सीडेंट होता है कोचिंग का जिसमें ह्यूमन लॉसेज का चांसेस रहते हैं, तो इनका इंक्वायरी किसके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो जब भी ह्यूमन लाइफ अगर कोई इन्वॉल्व हो एक्सीडेंट के अंतर्गत तो इसकी इंक्वायरी CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और यह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग UST टेस्ट, यानी UST टेस्ट किस दोष का पता लगाते हैं, तो जो हमारा एक्सेल पर इंटरनल क्रैक्स जो होते हैं उनको पता लगाने के लिए हम UST टेस्ट यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट का मदद लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इंटरनल क्रैक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कोटा लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगोरी ऑफ कोचेज, यानी जो कम उपयोग होने वाले कोचेज का यानी लाइट यूटिलाइजेशन वाले कोचेज कैटेगोरी का कोटा लाइफ जो होता है वो 40 ईयर्स का होता है, यानी 40 वर्षों का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF कोचेज, यानी ICF कोचेज का नए चक्के का व्यास 915 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर ऑफ द ICF कोचेज, यानी ICF कोचेज के ऑक्सिलरी रिजर्वायर का क्षमता जो होता है वह 200 लीटर का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ BP पूछा गया है, तो BP का फुल फॉर्म होता है ब्रेक पाइप। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं FP का फुल फॉर्म होता है फिट पाइप। BP ग्रीन कलर का होता है और FP पाइप होता है वाइट कलर का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन सिंगल पाइप सिस्टम द ऑक्सिलरी प्रेशर शुड बी, यानी जो AR का प्रेशर होना चाहिए सिंगल पाइप सिस्टम के अंतर्गत और कितने KG का होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंगल पाइप सिस्टम में केबल और केबल हमारा ब्रेक पाइप होता है, ब्रेक पाइप से हमारा आइसोलेटिंग डट कलेक्टर पहले लगा होता है, फिर हमारा आइसोलेटिंग कॉक लगा होता है, फिर यहाँ पर आकर हमारा DB लगे होते हैं, DB के साथ हमारा कॉमन CR जो होता है कंट्रोल रिजर्वायर वो कनेक्टेड होता है, फिर यहाँ पर एक ब्रांच पाइप निकल कर हमारा AR टैंक को चार्ज करता है। यानी टोटल आप देखा जाए तो BP पाइप हमारा 5 KG का ही प्रेशर होता है, इसी के माध्यम से DB से होते हुए हमारा प्रेशर AR को पहुँचता है जो चार्ज किया जाता है DB के माध्यम से। तो इस प्रकार आपका जो प्रेशर होगा सिंगल पाइप सिस्टम के अंतर्गत वह केवल और केवल 5 kg/cm² का होगा। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 5 kg/cm². नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज फॉर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी, यानी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए जो आरंभिक
प्रारंभिक स्टेशन पर जो ब्रेक पावर प्रतिशत होना चाहिए वह 100% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कटअप एंगल कॉक कैन बी फिटेड टू, यानी जो कटअप एंगल कॉक होते हैं वह फिटेड होते हैं बीपी और एफपी दोनों पाइपों से होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग ऑफ एलएचबी रेक शुड नॉट बी मोर देन, यानी एलएचबी रेक की सिंगल कार टेस्टिंग यानी एससीटीआर में यहाँ पर पूछा जा रहा है सिंगल कार टेस्ट रेक में कि जो लीकेज रेट होता है एलएचबी कोचेज के अंतरिक के अंतर्गत वह हमारा कितने केजी का होना चाहिए, तो वह होना चाहिए 0.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट विद इन डैश सेकेंड, यानी असंवेदनशीलता परीक्षण के दौरान ब्रेक नहीं लगना चाहिए। तो जब भी अगर आपसे प्रश्न इनसेंसिटिविटी टेस्ट के रिगार्डिंग पूछा जाता है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 0.3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 60 सेकेंड तक ड्रॉप किया जाता है और इसके दौरान ब्रेक गाड़ी के अंतर्गत ब्रेक नहीं लगना चाहिए और डिबी सेंस हमारा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 60 सेकेंड तक। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ब्रेन ब्रेक्स इज मैनुअली रिलीज्ड बाय क्यूआरबी क्यूक रिलीज वाल्व विच प्रेशर विल बी बेंट आउट, यानी जब भी क्यूक रिलीज वाल्व के द्वारा ब्रेक को मैनुअल रूप से रिलीज किया जाता है तो कौन सा प्रेशर बाहर निकल जाएगा, तो इस दौरान जो प्रेशर होगा कंट्रोल रिजर्वायर का यानी सीआर का वह बाहर निकल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन कोचिंग ट्रेंस, यानी कोचिंग ट्रेंस में जो कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर होता है वह होता है 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के माध्यम से चार्ज होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेटिंग कॉक्स आर प्रोवाइडेड इन पैसेंजर कोचेज, यानी पैसेंजर कोचेज में कितने टाइप्स कौन से टाइप्स के आइसोलेटिंग कॉक्स प्रोवाइड होते हैं, तो जो एक आइसोलेटिंग कॉक्स लगे होते हैं वह लगे होते हैं बॉल टाइप्स के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द टोटल नंबर ऑफ एमी वाशर यूज्ड इन ट्विन पाइप पैसेंजर कोचेज इन आर एक इच, यानी एक रेक में जो एमी वाशर प्रयोग किए जाते हैं कोचेज के अंतर्गत पैसेंजर कोचेज के अंतर्गत कितने संख्या में किया जाता है, क्योंकि यह जानते हैं कि ये हमारा कोचेज है, ये हमारा बीपी पाइप है और ये हमारा एफपी पाइप है, दोनों एंड पर हमारा एंगल कॉक बीपी और एफपी के लिए लगा होता है, तो इस प्रकार टोटल आपका चार की संख्या में एमी वाशर्स प्रत्येक कोच में यूज किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच टाइप ऑफ स्टील आर यूज्ड इन साइड फ्रेम कॉलिंग फ्रिक्शन प्लेट ऑफ कैसनर बोगी, यानी जो कैसनर बोगी के साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेटों में किस प्रकार के स्टील का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो स्टील प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है सिल्को मैंगनीज स्टील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन ईयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड ज्वाइंट्स आर टाइटेंड विथ विच टाइप ऑफ टेप, यानी ईयर ब्रेक प्रणाली में ज्वाइंट्स को टाइटेन करने के लिए जोड़ने के लिए किस प्रकार के टेप का प्रयोग किया जाता है लीकेज को रोकने के लिए, तो वो किया जाता है टेफ्लॉन टेप का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन व्हील ट्रेड ऑन ब्रॉड गेज वैगन, यानी ब्रॉड गेज मालगाड़ियों पर मैक्सिमम फ्लैट सरफेस पूछा गया है, तो यह होता है 60 mm। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कोचेज और लोकोमोटिव्स दोनों में जो फ्लैट टायर की लिमिटेशंस होता है वह 50 mm तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द व्हील गेज मेजर्स, यानी व्हील गेज मापता है सेम एक्सल पर दो चक्कों के व्हील फ्लेंजों के बीच के डिस्टेंस को मेजर करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंजेज ऑफ टू व्हील्स ऑन द सेम एक्सल्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी साइड फ्रेम फिटेड इन कैसनव ट्रॉली और पर बोगी, यानी कैसनव ट्रॉली या बोगियों में कितने साइड फ्रेम लगे होते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं इस तरह से हमारा दोनों साइड में और यहाँ पर बोलस्टर से हमारा कनेक्शन होता है, तो इस प्रकार टोटल जो नंबर्स होंगे साइड फ्रेम का प्रत्येक बोगी के अंतर्गत वो टोटल दो की संख्या में होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर यहाँ पर बात करें हम, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज का पहला प्रश्न पूछे गए हैं कि द्रविड़ कुल को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भारत के जितने भी भाषाएँ हैं जिसमें द्रविड़ कुल को छोड़कर जो आया है वो कौन से भाषा से इसका विकास हुआ है। तो इसका जो हुआ है विकास वो हुआ है अपभ्रंश से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि द्रविड़ कुल को छोड़कर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो इसमें दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर तीनों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का क्या स्थान है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें से किसने ब्रज भाषा में साहित्य की रचना की है, यानी ब्रज भाषा में साहित्य की अगर बात करें रचना की, तो इसका राइटिंग सूरदास ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा के प्रश्न पूछे गए हैं जिसको आपको ध्यान से अटेम्प्ट करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न अगर बात करें यहाँ पर, तो इनमें से किसकी रचना अवधि भाषा में लिखी गई है, तो चार ऑप्शन दिए गए इसकी रचना अवधि भाषा में होगा, वह हो जाएगा तुलसीदास और मोहम्मद जायसी, दोनों इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, इनमें से कौन सी रचना खरी बोली की है, तो खरी बोली की के लिए बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर साकेत, प्रिय प्रवास और कामिनी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, खरी बोली के प्रथम प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो प्रसिद्ध कवि की अगर बात करें खरी बोली के लिए, तो यह अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति मूलतः किस प्राचीन भाषा से हुई है, तो किस प्राचीन भाषा की अगर बात करें जहाँ से हमारी भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो क्योंकि इसी दिन पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह पहला सम्मेलन कंडक्ट करवाया गया था 10 जनवरी को 1975 के अंतर्गत, और यह कंडक्टिंग जो पैलेस था वह नागपुर के अंतर्गत कंडक्ट करवाया गया था, जो कि पहली बार 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था नागपुर के अंतर्गत। तब से ही प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस देश में है, तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की अगर बात करें, तो यह वर्धा, महाराष्ट्र, भारत के अंतर्गत यह अवेलेबल है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्धा, महाराष्ट्र। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। साथ ही साथ अगर आप इसी तरह अपने पेपर के सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।